हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनुज टेक पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी इमेज को डायमेंशन चेंज कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने कंप्यूटर के पेंट में चले जाइए। मैंने पहले से ओपन कर रखा है, फिर ओपन कर लीजिए। जिस भी फ़ोटो को आपको रिसाइज करना है उसको फाइल में जाके ओपन कर लीजिए। मैं दूसरा फ़ोटो लिख के दिखाता हूँ आपको। आप जिस भी फ़ोटो लेना है आप कर लीजिएगा। ये देखिए थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो यहाँ से आप छोटा कर ले, ठीक है। अगर ये देखिए आपको क्रॉप करना है तो यहाँ सेलेक्ट करके, यहाँ से सिलेक्ट कर का ऑप्शन दे रहा है। देखिए अब रेक्टेंगल में सिलेक्ट करना है, क्या करना है, तो मैं रेक्टेंगल कर लेता हूँ। सिलेक्ट है रेक्टेंगल पहले से ही, तो मैं रेक्टेंगल, देखिए आप इतना अगर फोटो लेना है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, फिर यहाँ क्रॉप कर दीजिए। इसका पहले का डायमेंशन देखिए 2329 है इंटू 1705 है। मैं आपको रिसाइज करके फोटो दिखाता हूँ। रिसाइज पर यहाँ पर क्लिक कीजिए। रिसाइज के जाने के बाद देखिए परसेंटेज और पिक्सल आ रहा है, पिक्सल पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो पे क्लिक हुआ, लेकिन आप डिसलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ से देखिए मैं आपको चेंज करके बताता हूँ। यहाँ से देखिए अब मैं हॉरिजॉन्टल डाल देता हूँ, 1000 डाल देता हूँ, और वर्टिकल डाल देता हूँ मैं 800 डाल देता हूँ। चलिए यहाँ से ओके, ये देखिए चेंज हो गया ना, 1000 × 800। ये देखिए यहाँ से अगर फिर आपको करना है दोबारा, तो मैं आपको वही पिक्सल पे जाने के बाद यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो डिसलेक्ट कर दीजिए। इसको मैं अब कर लेता हूँ कितना, 900 कर लेता हूँ, और इसको मैं कर लेता हूँ 500। ओके, ये देखिए ऐसे ही होता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।